वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आप भी अपने MPG4 सेट-टॉप बॉक्स में एक बजर को सेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके जो है MPG4 सेट-टॉप बॉक्स में, कोई भी MPG4 सेट-टॉप बॉक्स में आप जो है किस तरीके से एक बजर को सेट कर सकते हैं और एक सेट फाइंडर की तरह यहाँ पर अपने MPG4 सेट-टॉप बॉक्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर TBN एशिया नाम से चैनल चला हुआ है जो कि ABS2 सैटेलाइट का चैनल है, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है दोस्तों। हमने यहाँ पर वीडियो को ब्लर किया, कॉपीराइट का इश्यू आ सकता है इसलिए दोस्तों। और ये हमारा रहा MPG4 सेट-टॉप बॉक्स जो की सॉलिड का मॉडल नंबर HDS2 6363 बॉक्स है दोस्तों, जिसमें हमने एक बजर को सेट किया है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। आपको यहां पर छोटी सी आवाज सुनाई दे रही है दोस्तों, जो कि यहां पर बजर की आवाज है जो कि आपको सुनाई दे रही है। तो यहां पर जो है दोस्तों, इस बजर को ऑन ऑफ अगर आपको करना है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको एक क्लिप नजर आ रहा है दोस्तों। इस क्लिप की हेल्प से आप जो है दोस्तों इस बजर को ऑफ कर सकते हैं, ना कि इसको ऑन ऑफ का बटन लगाते हुए दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे हम इस क्लिप को निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो बॉक्स है यहाँ पर बजर बजना यहाँ पर ऑफ हो चुका है दोस्तों, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसमें हमने इस क्लिप को यूज किया है दोस्तों, इसे हम साइड में रख लेते हैं और आपको यहाँ पर इस वीडियो में दिखा देते हैं इसको हमने किस तरीके से सेट किया है। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और यहाँ पर जो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम बॉक्स को खोल कर आपको दिखा देते हैं किस तरीके से हमने इसके कनेक्शन जो है किए हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने अपने बॉक्स को खोल दिया है आपको दिखाने के लिए किस तरीके से आपको जो है MPG4 सेट-टॉप बॉक्स में एक बजर को सेट करना है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, तो पूरी तरीके से वीडियो को समझिए, जानिए दोस्तों। और यहाँ पर जो है आप MPG4 सेट-टॉप बॉक्स में एक बजर को सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, आपके सामने यहां पर हमारे बॉक्स का फ्रंट पैनल नजर आ रहा है दोस्तों। फ्रंट पैनल में आपको यहां पर दो LED नजर आ रहा है दोस्तों, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, एक रेड LED है दोस्तों और एक ग्रीन LED है। रेड LED का काम रहता है दोस्तों, यहां पर जैसे ही बॉक्स ऑन होता है यहां पर ये रेड LED यहां पर ऑन हो जाता है, और यहां पर एक ग्रीन LED आपका सिग्नल का काम करता है। जैसे ही सिग्नल आता है एक ग्रीन LED यहां पर ऑन हो जाता है दोस्तों। तो आपको जो कनेक्शन करना है दोस्तों बजर के, यहाँ पर ग्रीन LED के साथ इसके कनेक्शन कर लेना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा बजर है जो कि आपको मार्केट में 30 से 40 रुपए में मिल जाएगा दोस्तों, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके कनेक्शन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक कैपेसिटर नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक व्हाइट कलर में आपको मार्क नजर आ रहा है दोस्तों, ये इसका माइनस पॉइंट है। और इसी माइनस पॉइंट को यहाँ पर एक डायोड लगा है दोस्तों, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। LED में माइनस पॉइंट देने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर LED में देखना होगा, जो इसका बड़ा पॉइंट है दोस्तों ये LED का माइनस पॉइंट है, और इसका जो छोटा पॉइंट रहेगा दोस्तों यहाँ पर इसका प्लस पॉइंट रहेगा। और यहाँ पर इसके कैपेसिटर में प्लस पॉइंट के कोई निशान नहीं रहता है दोस्तों, तो यहाँ पर से आप इसका प्लस पॉइंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कनेक्शन इस तरीके से कर लेना है, यहाँ पर से एक कनेक्शन का वायर आपको इस साइड में लगाना है, और यहाँ पर LED में जो प्लस का है कनेक्शन, यहाँ पर से एक वायर यहाँ से निकाल लेना है। तो यहाँ पर जो दोस्तों माइनस के जो कनेक्शन है हमने ऑलरेडी यहाँ पर ज्वाइंट कर दिए हैं, लेकिन दोस्तों इसका जो प्लस कनेक्शन है और LED का जो प्लस कनेक्शन है अभी भी यहाँ पर ज्वाइंट करना बाकी है। तो इसको ज्वाइंट करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर एक देसी जुगाड़ किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर एक देसी जुगाड़ है दोस्तों, जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे ही ये दो वायर आपस में कनेक्ट होंगे आपको जो है ये बजर सुनाई देगा दोस्तों, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हम इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बजर है दोस्तों यहाँ पर बज रहा है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है दोस्तों, एक हाथ से हम कैमरे से शूट कर रहे हैं और दूसरे हाथ से हम जो है आपको यहाँ पर जो इसके कनेक्शन है वो दिखा रहे हैं दोस्तों, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे इसको हम निकालेंगे यहाँ पर जो है हमारा बजर ऑफ हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो बात करते हैं दोस्तों इसका यूज़ किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों जब भी आप छत पर डिश सेट करने जाएंगे तो यहाँ पर जैसे ही आपको सिग्नल मिलेगा थोड़ा सा भी, तो यहाँ पर जो है ये बज़र बजना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपके बॉक्स में एक ग्रीन एलईडी लाइट जो है यहाँ पर ऑन हो जाएगा दोस्तों, और आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो है सिग्नल हमें मिल रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है अपने एमपीजी 4 सेट्टा बॉक्स में एक बज़र को सेट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी एक एमपीजी 2 सेट्टा बॉक्स की वीडियो बनाई है किस तरीके से आपको जो है एमपीजी 2 सेट्टा बॉक्स में एक बज़र को सेट करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको हमने आपस में कनेक्शन ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पर एक एक क्लिप का यूज़ किया है दोस्तों। इसे आप जैम्पर भी कह सकते हैं, जो कि आपस में ये कनेक्शन ज्वाइंट कर देता है। तो इस तरीके से आप जो है एक ज्वाइंट बना सकते हैं जो कि ऑन ऑफ के बटन का काम करेगा। तो यहाँ पर हमने इसका यूज़ किया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है, अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे आपको एक रेड बटन दिखाई दे रहा है, उसे प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साइड में आपको एक बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। और आप जो है दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले कोई नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।